हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में आज के डेट में काफ़ी लोग, चूंकि मार्केट जो है काफ़ी वोलाटाइल है, मार्केट काफ़ी अपने हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमें इस मार्केट में, इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें हमें तो सबसे पहले ये हमें दिमाग में बिठाना चाहिए कि पहले कि हम क्या जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी स्टॉक हम लेने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है और वो क्या हमारा मकसद क्या है, क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। तो आज चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक वैसे वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न दे चुका है और आने वाले टाइम में उसका स्कोप इतना अच्छा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इतना अच्छा है उसका स्कोप है जो कि एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है और मुझे लगा, मैंने अपने कैलकुलेशन से मुझे लगा कि एक अच्छा स्टॉक है वो, तो मैंने लिया है और बस मैं आपसे अपना जो भी मैंने लिया है और जो सोच के मैंने लिया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा और ये चूंकि मैंने लिया है तो बस मैं आपसे अपना वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है जिसका नाम है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये 1987 की कंपनी है और इस ये जो है अभी जो आपने देखा कि इसका जो IPO आया था 32 रुपीज़ का IPO आया था और आज के डेट में वो 148 रुपीज़ पे चल रहा है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। तो ये इसलिए कि अभी उसका जो नतीजा आया था अभी कुछ दिन पहले, जो ऑलमोस्ट काफ़ी प्रॉफिट जो था, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट उसने जनरेट किया और आने वाले टाइम में जो जैसे गवर्नमेंट, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, एक अच्छा खासा इसका एक प्लान है गवर्नमेंट का कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अपने इंडिया में, अपने कंट्री में कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाए। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा खासा डिमांड आने वाले टाइम में होने वाला है और इससे रिलेटेड जो भी कंपनी है, जो हमारा स्पेशली IREDA जैसी और भी कंपनी है, तो IREDA जो कंपनी है वो बेसिकली वो पैसे फंड करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं इंडिया में। तो ये जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ते जाएगी वैसे वैसे IREDA का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जाएगा और इसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है और इसमें इसकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट का भी अपना प्लान है कि इस कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट को क्या क्या करना है। तो ऑलरेडी जैसे कि आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी हमारे इंडिया में बहुत सारा प्लान है, बहुत सारे स्टेट्स में प्लान है कि हम सोलर एनर्जी को हमें प्रमोट करना है या फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी हमें कम करना है। सो बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन चालू है और इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट में अपना सोलर पावर जनरेशन भी चालू हो गया है, उसका प्रॉफिट भी ऑलरेडी पब्लिक को मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में ये बिल्कुल क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और इस पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। तो जब ये फोकस ज़्यादा है, गवर्नमेंट का अपना प्लान है, तो डेफिनेटली IREDA जो है इसका जो प्रॉफिट जो होगा, जो बेनिफिट होगा, वो IREDA को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आज के डेट में अगर हम लें कि जो भी हमारा स्टॉक मिलता है आज आज के डेट में जो हमें मिल रहा है, अगर उस स्टॉक को आज के डेट में हम खरीद कर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक मल्टीबैगर ये स्टॉक साबित हो सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप जैसे देख रहे हैं कि मोटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, फिर हर दुनिया की हर कंट्री जो है पोल्यूशन पे काफ़ी फोकस कर रही है कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्टिसिपेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसमें अधिक से अधिक उसका पार्टिसिपेशन होगा। उसका पार्टिसिपेशन जब होगा तो उसका प्रॉफिट जनरेशन होगा, प्रॉफिट जनरेशन होगा तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे वो डेफिनेटली ऊपर जाने वाले हैं। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी क्लियर है कि जो
मतलब वर्ल्ड वाइड जो सारी गवर्नमेंट जो है पोल्यूशन को लेकर इतनी सीरियस है, जो कि एनर्जी सेक्टर को एक क्लीन एनर्जी बनाना चाहती है, एक ग्रीन एनर्जी बनाना चाहती है, और इस ग्रीन एनर्जी में आपको IREDA जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में ये एक मल्टी बैगर भी दे सकता है। तो मैंने इन्वेस्ट जरूर किया है, मैंने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, और मुझे एक उम्मीद है और मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि आने वाले टाइम में एक एक अच्छा खासा मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ये एक अच्छी कंपनी है, और इसका अच्छी कंपनी के साथ साथ ये एक चूँकि मिनी रत्ना कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और आने वाले टाइम में इसका एक्सपेंशन भी होने वाला है, और जैसे जैसे हमारा जो हमारे गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसके इसका जो इसके लेग्स जो है इसके जो पोटेंशियल है वो बढ़ते जाएगा, और जब पोटेंशियल जब बढ़ेगा इसमें जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और इसका शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे फायदे होंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।